Welcome friends, in the ocean of knowledge, you know what I mean to say, it's Java Coding School. So friends, today apart from other subjective knowledge, we will be just going through our basic of the English in today's English class. So friends, today, what is the basic thing today in this English class? It is for all. Either a student of class 4th, 5th, 6th, either a student of class 10th or 11th and 12th. Many students, they face the problem of translating a sentence from Hindi to English. Because we have to keep in mind so many rules and regulations of present tense, past tense and the future tense. और इसीलिए दिक्कत होती है कि हम exactly sometimes we are unable to frame a complete करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस. और आपने देखा होगा कई बार हम जब सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे क्रिएट और दे कमिट मिस्टेक ऑफ यूजिंग आइदर इज और आर एम इन एनी सेंटेंस और दे आर हैबिटुअल ऑफ यूजिंग वाज एंड वर. और इसके अलावा एक और गलती होती है कि हमारे आइदर इट मीन्स इट इज द हैबिट और वो हमारी एक तरह से हैबिट में बना हुआ है कि वी आर यूजिंग आई एन जी विद एनी ऑफ द वर्ब. इफ आई एम राइटिंग रीड, आई एम राइटिंग रीडिंग, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दिस टाइप ऑफ द मिस्टेक्स वी आर कमिटिंग. तो वो मिस्टेक्स ना हो हमसे और हम एक अच्छा सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बना सके, इट मीन्स दैट इज ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट. तो उसके लिए एक छोटी सी चीज हमको ध्यान में रखनी होगी, हाउ टू ट्रांसलेट a sentence from Hindi to English. Take a look here. Students, you know very well, there are different words that are very important part of a sentence, either in Hindi or English. In English, if you want to write a sentence, we need the help of some of the words, and these words are called the parts of speech. Noun, pronoun, adjectives, verb, adverb, conjunction, interjection. These are the important words that are called parts of speech. कहीं ना कहीं इन sentence बनाने में इन सारे words की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो mostly use होते हैं, it means when we are framing a sentence, we need a subject, we need a verb, and we need an object. Subject. A noun or pronoun can be a subject of the sentence. Verb, two types, main verb and helping verb. These two we need to write here in this part. An object. Object means ki the subject is a doer and the verb is an action word. But वो जो एक्शन हो रही है सब्जेक्ट के थ्रू वो किस पे हो रही है, जिस पे हो रही है, दैट इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? मैं आपको छोटा सा सेंटेंस बता दूं कि जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र. सो पत्र इट मीन्स लेटर, इट इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? ठीक है, तो आज हम देखते हैं अभी कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. एक छोटा सा चेंज जो है वो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में होता है कि जब हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, सो वी राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट इन द मिडल, एंड लास्ट ऑफ ऑल इट कम्स द वर्ब. आइदर इट मे बी इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. बट व्हेन वी कन्वर्ट और ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इट बिकम्स सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो यू कैन सी देयर इज अ चेंज in the position of these two parts of the sentences.
इधर से उधर जो है केवल एक छोटा सा चेंज करने पे ही सेंटेंस जो इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। चलिए एक सेंटेंस देते हैं हम और देखते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं और वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी सेंटेंस। राम पत्र लिखता है। ओके, सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड राम पत्र लिखता है। सबसे पहले हम ये चीज देख लें कि राम क्या है, इट इज द सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने सेंटेंस अभी हिंदी में लिखा है। पत इज द ऑब्जेक्ट और लिखता है दिस इज द वर्ड। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का वो ये होता है कि हम पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कहां है, फिर उस सेंटेंस में से हम वर्ब ढूंढेंगे, फिर वर्ब को लिखना स्टार्ट कर लिखेंगे और आखिरी में ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसमें कई सारी गड़बड़ हो जाती है जो मैंने आपको बताई थी कि मोस्टली द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग वॉज वर्ब लगाना, आईएनजी लगाना, ये सारी चीजें। लेकिन अब हम इसी सेंटेंस को इजिली ट्रांसलेट करते हैं। दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश, दोनों में सब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम प्लेस। क्योंकि कोई भी सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में हो वो हमेशा किसी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। एंड मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। कि सेंटेंस जिसके बारे में लिखा है वही हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? सो वी विल राइट राम एट द फर्स्ट प्लेस, इट इज अ सब्जेक्ट ना। अब क्या करना है, अब हमको एकदम से सारी चीजें याद नहीं रखना है, हमको देखना है राम के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि राम के बाद हमको सबसे पहले क्या आना है लास्ट पार्ट में। आप हमेशा किसी भी टेंस में सेंटेंस को क्रिएट करें या ट्रांसलेट करें, सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधे आपको पीछे आ जाना है, सबसे लास्ट पार्ट में आ जाना है और लास्ट पार्ट में लिखा है हे। अब हमको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये हे जो लास्ट पार्ट होता है ये हमेशा इंडिकेट करता है हेल्पिंग वर्ब। क्या इंडिकेट करता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हे की जगह कुछ और भी हो सकता था, यहां पे राम पत्र लिखता था, और अगर मान था भी होता तो भी वो हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट कर रहा है यहां है, या राम पत्र लिख रहा होगा अगर ऐसा भी होता है तब भी वो हेल्पिंग वर्ब ही होगा। इट मींस व्हाट कि राम को लिखने के बाद हमें लास्ट पार्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। नाउ हियर इट इज रिटन हे। जब भी किसी भी सेंटेंस में हे लिखा हो या रहा है लिखा हो, रही है लिखा हो या रहे हैं लिखा हो, इन सभी के लिए इज आर और एम इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना है। So, इस हे की जगह पे हमको क्या करना है, राम के बाद हम हे पे आ जाते हैं, तो हे इट मीन्स हियर राम इज सिंगुलर। सो हे के लिए क्या लिखेंगे हम, इज राम इज। क्लियर? राम इज, लेकिन यहां इज नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं कि जब हम इसको आगे बढ़ेंगे लिखता, दिस इज द वर्ड, क्योंकि हे लिखने के बाद हम लिखता पे आएंगे और लिखता है कि ता जब आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पर ये वाला पार्ट हट जाता है, रहा रही ये सब हट जाता है। क्लियर? बिकॉज लिखना, सबसे पहले तो हम इस वर्ब को हिंदी में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लिखने को क्या कहते हैं, राइट। सो अभी हम इसको हटा देते हैं यहां से क्योंकि हम इज नहीं लिखेंगे यहां, क्योंकि यहां पर लिखता है, हाँ लिख रहा है लिखा हुआ होता तो हम यहां पर इज लगाते हैं, बट यहां पर रहा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ हे है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इस वर्ब के पार्ट को देखकर लिखता, यानी कि हम लिखेंगे सिर्फ राइट। नाउ राइट लिखने के बाद दिस इज अ वर्ब, बट राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम जब सिंगुलर है तो हम एस लगा देते हैं इसमें, राम राइट्स। नाउ द लास्ट पार्ट क्या बचा, हमने राम के बाद में हे देखा, फिर लिखता देखा तो लिखता के लिए राइट लिखा, एंड द लास्ट पार्ट इट इज रिमेनिंग पत्र, यानी इट इज लेटर। राम राइट्स लेटर, ये हमारा सेंटेंस हो गया कि हमको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट पार्ट पे चलना है और इस तरह से बनाना है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि जहां लिखता है लिखा हुआ है वहीं हम लिख देते हैं लिख रहा है। क्लियर? राम पत्र लिख रहा है, तो वहां जो चीज हम देख रहे थे अब वो हमारे सामने आ गई है। वहां पर हम जब राम की जगह लिखेंगे राम, नाउ अब
लास्ट पार्ट हमारा है रहा, रहा के लिए हम लिखेंगे इज, क्योंकि राम इज सिंगुलर, राम इज। अब लिखना, अगेन लिखने को बोलते हैं राइट, तो हम लिख देंगे यहां पे राइट। लेकिन हियर वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि व्हेन वी आर यूजिंग इज आर ओ एम, इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज करते हैं तो उन तीनों में से जब भी कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई किसी भी सेंटेंस में तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसमें आई एनजी लगेगा। ये छोटी सी चीज हमको याद रखनी है कि व्हेन वी आर यूजिंग इज आर ओ एम इन एनी सेंटेंस द मेन वर्ब शुड बी इन इट्स फर्स्ट फॉर्म विथ आई एनजी, सो विल बी यूजिंग आई एनजी। सो राइट देना हो जाएगा राइटिंग, सो राम इज राइटिंग। नाउ अगेन पहले हमने फर्स्ट वर्ड ये लिखा, दूसरा, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इट मीन्स द फोर्थ वर्ड, हम पीछे से इस तरह से घूमकर आए हैं। अब हमारे पास बचा है केवल एक ही वर्ड लिखने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटर। सो राम इज राइटिंग लेटर। हाँ, यहाँ एक चीज और भी हो सकती है कि हम अगर पत्र लिखा है तो पत्र जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे, तो वी कैन ऑल्सो पुट अ लेटर ए हियर, राम इज राइटिंग अ लेटर। चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि कभी कभी सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राम पत्र लिख रहा है, लेकिन अगर ये लिखा जाए कि राम शाही से, या हम ये कहें राम कागज पर पत्र लिख रहा है, राम बोर्ड पर पत्र लिख रहा है, तो जब ये दूसरी चीजें ऐड हो जाती हैं तो उनको कहां लिखना है? ठीक है, अगर मैं छोटे सा चेंज कर देता हूं, राम पत्र लिख रहा है और इसकी जगह मैं लिख देता हूं यहां पर वो भी मैं आपको बता देने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसको ट्राई करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।